चले अभी हम दर्शन, अभी हमें दर्शन करने हैं ऊपर। बैटरी डाली नहीं, हो रही रेडी कर दिया। अच्छा, एक बार फिर से बचपन को महसूस करेंगे, कभी नहाने आ जाते थे ना दरिया में। इधर एक भैंसा नहाता है, सिर्फ उसकी गर्दन है। शीतल 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 लोकेशन बड़ी जबरदस्त लगती है यार यहाँ पे। देखो ना ऊपर साइड साइड पे पहाड़ है, तो ये भी अपने भाई हैं, ठीक है नाम है। मेरा मन करता है बस वहाँ बैठ जाओ, बहुत ठहरा हुआ है वहाँ पे। पानी का रंग देखा कितना गहरा नीला। तो हम निकल रहे हैं पाइन तीर्थी की ओर। वो जो पानी है जिसको हम कहते हैं डबर, वो देखो सांप जा रहा है, वो देखो। हाँ ठीक हो, बैठो जल्दी यार, लेट हो गए। चलो चलो जल्दी, रेडी रेडी निकलो 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 जल्दी। हाँ मेरे रास्ते में खड़ा हुए बाइक कैसे हम निकल रहे हैं पाइन तीर्थी की ओर। लोग साइड नहीं देते यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ यहाँ वो जो ब्रिज है ना हमारा, कौन सा, उसके नीचे वो जो पानी है जिसको हम कहते हैं डबर, जिधर हम नहाते हैं, वो बहुत अच्छी जगह, वहाँ दो मिनट रुकेंगे। ये जो साल में नीचे है ये लोकेशन पे, उस वहाँ जब भी जाओ लोकेशन पे, मेरा मन करता है बस वहाँ बैठ जाओ, बहुत ठहरा हुआ है वहाँ पे। पानी का रंग देखा कितना गहरा नीला, बड़ी ब्यूटी चीज़ है। जैसे यहाँ पे आगे जाके किसी भी मौसम में आ जाओगे, यहाँ से तीन मोड़ आगे उतरो ना, वहाँ हमेशा मौसम ठंडा रहता है। हाँ बिल्कुल, ये एक नेचुरल मिरेकल है इधर, मैं कहता हूँ। जो लोग भी यहाँ रहते हैं वो तो जानते ही, जो नहीं जानते वो कभी यहाँ से गुजरे तो अभी आप देखना, यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे ना, कुछ थोड़े से एरिया के लिए मौसम ही बदल जाता है, उसकी क्या खास बात है। ऐसे मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है ना वहाँ पे। भैया कहाँ गए? तो ये भी अपने भाई हैं, ठीक है नाम है इनका, ट्रेंडिंग शूट के साथ। तो आज से हम ट्रेंडिंग शूट के साथ वर्ल्ड लाइन क्रिएशंस बूम स्पार्क मिलके कोलैबोरेशन काम करेंगे भाई। ओके भैया कहाँ गए? सौरभ भैया कहाँ गए? आ रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं। लोड बड़ा है, हमने उठाया कैमरा, ये वो बड़ा सामान उठाया है, देखो आगे का, इसीलिए भाई हम छोटी लेके आए। बड़ी बाइक पे ना सामान नहीं उठाया जाता यार, तो ये हमारे मॉडल चल रहे हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं। ये भाई हमारे मॉडल साहब चल रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे थे ये कि बड़ी ब्यूटी है। मैं यहाँ पे बड़ी बार आता रहता हूँ, जो जब भी है ना ये जगह से बड़ी मस्त लगती है। यहाँ मन ही नहीं करता कि गाड़ी पे आप चलाओ, मैं जाता हूँ न्यूट्रल चले आगे ब्रिज तक, लेकिन जा रहे हैं बहुत बिल्कुल यार पे। रुको रुको, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो? जो जा रहे हैं न्यूट्रली जा रहे हैं, जो आ रहे हैं गिर डाल के आ रहे हैं, वो पहला दूसरा डालना पड़ता है चढ़ाई। हाँ बिल्कुल, बड़ी मस्त जगह है यार ये, इतना पिक्चरस लैंडस्केप है। जब मर्जी हो ऐसे ही, जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो चलो निकलो आप, यहाँ पे लोकेशन दिखाते हैं हम। यहाँ पे ब्रेक नहीं लगानी,
रास्ता भी वैसा ही है यार, कितना जल्दी चलना है यहाँ पे। वैसे छोटे छोटे मोड़ हैं, लेट नहीं हो गए हम थोड़े? हाँ, सनसेट में ऐसे भी पिछले सॉन्ग के ना ऐसे सनसेट में देखा था आपने कितने अच्छे शॉट्स आए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अंडर वाटर गोता खोल बन के जाएंगे, बिल्कुल वो टूटेगा थोड़ी ना, वो तो रहेगा वहां पे। ऐसे पता नहीं कब बनेगी ये, वैसे बनेगी भी या नहीं बनेगी वो भी गारंटी नहीं है ना इस टाइम की। रुक गए भाई, स्पॉट पे पहुंच गए। यहाँ पे इस पानी की बात कर रहे थे यार ये, कि बहुत ही गहरा है, रियलिटी है बहुत ही गहरा है यहाँ। इसकी पता क्या इंटरेस्टिंग बात है? हाँ, मैं बचपन में जब यहाँ आता था पानी देखा कितना साफ है। हाँ बिल्कुल, तो सभी लड़के नहाने आते थे। वो देखो सांप जा रहा है, वो देखो। हाँ हाँ, ओ यार ब्यूटी ब्यूटी, बहुत बड़ा है वो भाई साहब। देखा वो सूखने ड्राई ड्राई होने। बोल शंकर भगवान की जय। वो देखो कितना बड़ा सांप है यार। पर देखो वो भी अपनी जगह वाइल्ड में आनंद ले रहा है, हम भी। डिस्टेंस हो तो हर चीज मेंटेन की जा सकती है यार। बहुत लंबा है ये तो, है ना? हाँ बहुत बड़ा भी है ये। सही है यार, ये कोई नाग होगा यार मेरे ख्याल से, सांप नहीं है ये, है ना भाई? डरती ही नहीं की है बिल्कुल यार। अच्छा, ये तो मैं कह रहा था देखो, जब यहाँ लड़के नहाने आते थे ना, हाँ, तो घर वाले डराने के लिए बोलते थे कि यहाँ पे दिन में भूत रहते हैं। अच्छा, इधर एक भैंसा नहाता है सिर्फ उसकी गर्दन है फिर आप डर जाते होंगे। ऐसे भी छोटा छोटा बंदे ना डर जाते हैं ऐसे, घर वाले डर। हमने तैरना भी नहीं सीखा था इतना सही के लिए। तो है तो ये, लेकिन ये जो एल्गा है ये तो फूड है ना, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। अच्छा हाँ, वो इस पे आप इसके बारे में हमें सही तरीके से समझाओ सर। देखो नहीं, एक्चुअली इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हमें अपना काम करना है भाई। शूट पे आए हैं, चलो तो देखो कितना आनंद है कि वो भी अपने आराम से हैं, लेट रहे हैं पूरा मस्ती में। वो दिख रहा है सामने, ब्यूटीफुल साइट, मजा आया ना। चलो चलो अभी शूट पे चलते हैं, अभी रेडी भी करना है हमें। कहाँ से? नीचे से लीजिए, नीचे से जाना ना? नहीं नहीं हाँ, सामने से जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो भाई ये है नरगाड़ी, ये बेड़ा करके रोड बड़ा सोना। अच्छा अपने भाई, ये बोल के हम पानी पीर थी, पानी पीर थी, लास्ट स्टॉप है ये, लास्ट रोड, यहाँ से आगे खत्म होने वाला है भाई। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त लगती है यार यहाँ पे मेरे को ना, ऊपर साइड साइड पे पहाड़ है, बीच में यहाँ पे वो आएगा, दरिया आएगा साथ में, मज़ा आया ऐसे वैसे यहाँ पे। लोगों को ना रोड दिखा, रोड कैसा है, हालत
ट्रैक्टर यहाँ पे पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से ना जी। अब इसकी बुरी हालत होगी पहले तो अच्छा तो नहीं यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं आता था बाइक यहीं पे मैं बाइक यहीं पे लगी हुई यार मेरे ख्याल से ना इसलिए मैं जाऊँगा सामने वहाँ पहुंच गए हम। यार ये पूरा खराब नहीं हो गया आपको क्या लगता है? पिछली बार बहुत बाढ़ आई है हाँ मतलब बरसात के मौसम में ना इतना पानी आया है बिल्कुल कि आगे पीछे की पहाड़ की जो यहाँ पे अब मैं आप सभी को ना यहाँ पे वो दिखाता हूँ कि कैसा इलाका है ये। वैसे अच्छा है यार बड़ा अच्छा है तो वेट ये देखो कोई बात नहीं ये पूरा बह गया है। पहले यहाँ पे ना वो घास होता था मतलब अच्छा था सारा अभी यहाँ पे पूरा डिफरेंट टोटली वो नाला बन गया है यहाँ पे पानी बरसात के मौसम में। ये ट्रैक्टर जाते हैं यहाँ पे आगे हाँ अब हमें यहाँ से ना पैदल पानी क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे रास्ते से आते तो हमने सीधा दूसरी तरफ होना था लेकिन वो बड़ा लॉन्ग था हमें नॉर्मली भैया कोई 20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है ना हाँ 20 मतलब 20 जाने में और 20 आने में और जब शाम को वापस आना ना फिर हमने लेट हो जाना था बड़ा ही ज़्यादा। बिल्कुल सन भी अच्छा है भाई यहाँ पे किसी की हो गई है डेथ तो वो लगा रहे हैं यहाँ पे उसका धुआं वगैरह चल रहा है अभी। वो है भाई जो लास्ट में मंदिर शिव का जहाँ पे हमें जाना है बड़ी दूर है अभी बस चले जाओ ये क्रॉस करना है जब पानी तो जूते उतार के खोल के यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा ना सब कुछ तो अभी भाई लेने पड़ेंगे सारे जूते क्लोज निकालो सारे अपने मेमे को भी निकालना पड़ेंगे आज बहुत दिनों बाद बहते जल में एक बार फिर से बचपन को महसूस करेंगे कभी नहाने आ जाते थे ना दरिया में बिना बताए बहुत मस्ती की है बहुत स्विमिंग की है भाई वाह यार पानी भी ठंडा है ना लास्ट टाइम हम ट्रैक्टर पे गए थे हाँ वो याद है ना लास्ट टाइम है ना तब भी शूट किया था हमने लेकिन शेयर कुछ नहीं किया था हाँ पत्थर में स्लिप देखो कितनी है बिल्कुल यहाँ पे परमानेंट पानी चलता है ना तो स्लिप है यहाँ पे लेकिन पानी कितना साफ है ये देखो देखने वाली चीज देखो यार हमारा भाई भी चल रहा है हमारे साथ लेकिन एक काम करते हैं नीचे चलो थोड़ा नीचे से निकलते हैं हाँ। तो वहाँ गहरा पानी है नहीं गहरे पानी में नहीं ना जाना भाई ये लोकेशन है मजा तो बड़ा आ रहा है कौन सा यार मेरी गिल्ली हो गई पेंटे हाँ कुछ और नहीं सोचना भाई वो पूरी वो देखो अब यहाँ पे इतना गीला तो होना ही था यार क्या करते लेकिन जो पैंट गीली होगी ना इससे मेरे को ठंड लगेगी यार बाद में तो भाई अपना बड़े बचाए लेकिन फिर गीले हो ही गए तो भाई की बुरी हालत होते हुए भैया बड़े बचाए लेकिन फिर गीले हो गए
मजे ले गए आप, चलो ऊपर चलो भैया। नजारे नजारे जंजारे, ठीक है भैया जल्दी आ जाओ। ये लोकेशन है, यहाँ पे हमारा शूट रहेगा आज का। और भाई आप सभी देखोगे कि कैसा आएगा कैसा नहीं। लोकेशन हमने ये चूज़ की है, अच्छा है वैसे। लेट्स गो। नहीं पहले शूज़ लगा लेते हैं यार। हाँ मैंने लगा लेनी है। तो भाई साहब हम हो गए हैं पूरे गिले, तो अब जाना पड़ेगा भाई। आगे चले गए वो कह रहे हैं शूज़ नहीं लगाने, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मैंने लगा लिए भाई। चलो दौड़ के चला जाऊंगा, दौड़ के जाना पड़ेगा। वो भैया वगैरह सारे आगे चले गए हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। ये आ रहे हैं अभी, ये यहाँ पे लगा रहे हैं, वो भैया जा रहे हैं। वो रहा हमारा शिव मंदिर, ये बड़ा पाई तीर्थी में। आगे से ट्रैक्टर आ रहा है, इसने भाई पता नहीं क्या उठाया। आप मशहूर शिव मंदिर है यहाँ पे, होता है यहाँ पे वो जगह वगैरह भी होता है, लेकिन पता नहीं कब होता है। मे बी शिवरात्रि वाले दिन होता है यहाँ पे। हाँ भैया शांति बड़ी है इस जगह पे ना, जहाँ शिव बसे हैं वहाँ कैसे कोई शांति भंग कर सकता है। बिल्कुल, सृष्टि के कोने कोने में शिव बसे हैं, दुनिया का मालिक वहाँ बैठा है। यहाँ किसी को बैठा है, दुकान है, ये सब मजाक है, ये किराए पे है, सब किराए पे है, हम सब किराए पे है ना, सब किराए पे हैं। नहीं रघुवंशी जी क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं कि गंगा किनारे चली जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। ये मूरत जिंद ओ न मानिए, गंगा किनारे कर चल जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। भाई साहब सारे दर्शन कर लो, ये है शिव मंदिर, पंच तीर्थी। पंच तीर्थी जगह का नाम क्या है इसका, पंच तीर्थी है ना। हाँ यहाँ पे पांच दरिया मिलते हैं, तो तभी इसका नाम पंच तीर्थी पड़ गया। हाँ ये शिवलिंग भी पंचमुखी है ये, और स्वयं है मतलब बनाया हुआ नहीं है। आप शंभू, आप शंभू जो भी है। तो ये रही यहाँ की लोकेशन, आज की लोकेशन, हम यहीं पे शूट करने वाले हैं सॉन्ग को। तो बड़ी जल्दी बताएंगे आपको कि सॉन्ग भी कौन सा है, लेकिन सबसे पहले हमें दर्शन करने पड़ेंगे मंदिर में, ठीक है ना, क्योंकि शुभ कार्य करने आ रहे हैं तो दर्शन लेने तो बनते ही हैं, फिर बिना दर्शन के तो होंगे नहीं कुछ भी। इसीलिए हमें यहाँ पे अपने जूते वगैरह यहाँ पे उतारने हैं। जूते यहाँ रख दे, कहाँ से आए हो? ये यहाँ के आगे अपने बिलावर से हैं। बिलावर से, बिलावर से। अच्छा हाँ, हेलो कर दो सभी को। हेलो, कैसे हो आप सभी? आप ठीक हो? ठीक है, ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना, ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है ना, उनके आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। बिल्कुल, चले अभी हम अभी हमें दर्शन करने हैं। रास्ता यहीं से है, हाँ ऊपर लगी है ना, ठीक है। यहाँ पे ये रहा सब, यहाँ शिवरात्रि में यज्ञ होता है हर बार। हाँ शिवरात्रि के दिन होता है यज्ञ, सभी किशनपुर आसपास के गांव में। बहुत अच्छा, पिछली बार भी आए थे हम, है ना, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं, अब थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा हमें। चलो भैया आ जाओ फिर। भैया जी ये आ गया हमारा शिव मंदिर। प्रभु प्रभु प्रभु, ये देखो भाई, पहले सबसे पहले हम करेंगे दर्शन अपने शिवलिंग के।
शिव शंकर जय शिव शंकर। ये रहा शिव मंदिर और यहाँ पे है ये पंचमुखी, मीन्स की पांच फेस हैं इसके, मतलब शिवलिंग के हमारे, और ये ऑप्शन वो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े शक्तिशाली शिव शंकर हैं ये, और यहाँ पे ना ऐसे मतलब बड़ा मशहूर है ये अपने बिलावर में सबसे ज़्यादा पंच तीर्थी में पंचमुखी शिव मंदिर। इसके बारे में जो भी होगा वो आपको कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, कि हम स्पेशली इसी चीज़ पे ब्लॉग बनाएंगे, वो बनाएंगे हम शिवरात्रि वाले दिन, जब नेक्स्ट टाइम शिवरात्रि होगी तो यहाँ पे हम पक्का आएंगे और स्पेशली इसी की कथा जो भी है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे ये था, क्या बना था, जो इसका हिस्ट्री है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, और ये हमारी आगे टीम सारी, मैं आपको कुछ इसके शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि यहाँ से बाकी लोकेशंस कैसे दिखती हैं वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसी इसकी लोकेशन है, बड़ा ही खूबसूरत है देखने में, और यहाँ पे ऐसे हवा छोटी 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 हवा ये चलती ही रहती है यहाँ पे, देख लो आप सभी कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। ऐसे मतलब अकेली जगह पे मंदिर हो ना तो बड़ा बड़ा ऐसे सुकून सा मिलता है लोगों को कि नहीं यार हम हाँ यहाँ पे ऐसा है। ऐसे शहरों में क्या होता है ना कि ऐसे मंदिर में अगर बंदा आया तो आगे पीछे की आवाज़ सुन के ना उसका पूरा मन भड़क सा जाता है, लेकिन यहाँ पे ना यहाँ पे ऐसे बिल्कुल प्यार सा प्यार प्यारी प्यारी वो आ रही है, हवा आ रही है और मज़ा आता है यहाँ पे, थोड़ा मन भी शांत होता है, मन शांत हो तभी सब कुछ अच्छा रहता है। वो आगे हमारी ये आया हमारा ऊपर से उज, और वो आई हमारी बिनी, जो बिनी पुल वाली बिनी है वो आई बिलावर से, और ये उज पुल वालों से, और यहाँ पे ये दोनों एक साथ मिलते हैं और यहाँ पे ये सारा पानी एक साथ हो जाता है सारा का सारा। तो यहाँ पे ऐसे बड़ा सारा मौसम अच्छा है। यहाँ पे सुना है कि हम आगे डैम बनने वाली है, अगर यहाँ पे डैम बनती है तो इस मंदिर का क्या होगा ये फिर मंदिर ही जाने भगवान ही जाने, अभी हमें आगे पता नहीं है इसके बारे में इतना, देखते हैं अभी क्या बनता है। लेकिन सुना है यहाँ पे जो डैम है यहाँ पे तो नौकरी करके बंदे रिटायर भी हो गए, लेकिन अभी तक ये बनी नहीं है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे बनेगी। अब सरकार क्या कर रही है कि कौन किसके अंडर ये काम है, जैसे होगा पता चल ही जाएगा सारे बिलावर को। और आप लोगों के क्या ओपिनियन है यहाँ पे कि यहाँ पे बननी चाहिए डैम या नहीं बननी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना। ये हमारा अगर डैम बनती है तो शिव मंदिर नहीं रहने वाला, इतना तो श्योर है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे भी नहीं है कि इतना सा पानी बनाएंगे ये डैम में, है ना सर। मैं जिक्र कर रहा था कि अगर यहाँ पे जो डैम बनेगी तो उसका उसमें अगर बनेगी तो मंदिर का क्या बनेगा। मंदिर हो सकता है कि पानी में विलीन हो जाए, हाँ क्योंकि पानी का गहराव थोड़ा ज़्यादा ही होगा भी, है ना। हाँ फिर करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल है ना, टाइम किस लिए वेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो सभी भाई लोग जा रहे हैं हम शूट पे, ओके बाय कर दो सभी को बाय, अभी हम शूट पे मिलेंगे, पहले हमें कैमरा सेटअप वगैरह करना है। हाँ ऐसी फ्लो चेकआउट मिलते हैं जब सेटिंग करते हुए, आ जाओ कैमरा के पास सीधा। तो भाई साहब ये हमें सारे करने हैं सेट, हाँ 85 भी करना, आज हम लाए हैं दो कैमरास दोनों रेडी करने हैं एक एक करके। भैया एक रुपया है पड़ा है आपके पास, एक रुपया नहीं होगा कुछ तो शगुन मांग रहे हैं। अच्छा शगुन मांग रहा यार, सर है एक रुपया कॉइन चाहिए यार, कोई भी हो कॉइन चाहिए मेरे को। आई डोंट हैव
होगा सर कैसे होगा, कॉइन पड़ा है तेरे पास? पड़ा है तो फिर सेट कैसे करेगा तू अपना गेम? ऑलरेडी लगे अंदर असली है, असली भाई, असली असली भाई दुकान से ये दू ये देख ना भाई हमारा। हाँ बिल्कुल हमारा गिम्बल होने वाला है। रेडी कैसा लग रहा है यार? आप लो मुझसे ज़्यादा जल्दी उनको करेंगे अपने गिम्बल को ऑन। यहाँ पे है इसका बटन। हो गया रेडी? क्या हो गया रेडी? बैटरी डाली नहीं और रेडी कर दिया। अच्छा बैटरी डाल लो। मैंने भी अभी अपने बारे में देख लिया सब हो गया। अभी मेरी रह गई है सिर्फ एक वायर सेट करने। तो भाई हमारा गिम्बल हो गया रेडी। हमारे भाई साहब मॉडल जो सिंगर हैं वो रेडी हो रहे हैं अभी अपने ड्रेसअप के साथ। अभी वो आपको नहीं दिखाना, वो दिखाएंगे हम सीधा शूट पे सीधा। सो ये लगाया R6, ठीक है, गिम्बल क्रेन 3 के पास साथ, और ये है M4 सोनी का। भाई गिम्बल का नाम क्या है इसका? रून RS3 R3 है अभी। ये भाई साहब है हमारे ट्रेंडिंग शूट वाले, तो लाइक करो सब्सक्राइब करो। हाँ आप इनके उसका लिंक भी मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल का लिंक, वो भी आपने पक्का देख लेना है सभी ने। ये भी मेकअप आर्टिस्ट है भाई। हाँ ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट इनका भी रहेगा ना। तो ये हमारी कैमरा की होगी सेटिंग ओके। तो अभी देखते हैं भाई साहब आपका हुआ हो गया था, लेकिन काम पड़ गया फिर से। हट गया पड़ गया फिर से। ओ अच्छा, बैटरी नहीं डाली थी। बैटरी नहीं डाली थी जी भाई साहब। इतना हो रहा है, इतना हो रहा गलत। ये मेरी रिकॉर्डिंग दिखा रहा है सारी, मेरा 7.29। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। रे बालक हूँ मैं, प्रकृति का बोध नहीं दिखता है, करता है यह डर। बहुत रेडी हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं शूट पे। तो आपको मिलते हैं सॉन्ग में, यानी जब यहाँ पे शूटिंग ख़त्म होती है। हम शूटिंग का शूटिंग टाइम हम नहीं दिखा सकते कि हम क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ओके देन बाय। बाबा जी, बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ और सारा आ रहा है। आ जाओ आ जाओ, वो ला रहे हैं लकड़ियाँ। अब उसे लो ना उसे। वो भी आ रही हैं सारी लकड़ियाँ। यहाँ पे एक्चुअली हमें आग चाहिए थी शूट के लिए, थोड़े से शोर थे कि जो हमें आग के साथ में डालना है वो लगी ये। बिल्कुल भाई लगे ना, देखो आग। आप बोल रहे थे इससे ज़्यादा होगी नहीं भाई, वो होने को कुछ ही हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेके आना। अरे यार तुम ये बाबा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे जी जो दुनिया को पाल रहा है वो उनको भी पाल रहा है। मत तो घबराते नहीं, पालने वीडियो ऑन है। हाँ तो पहला काम हॉल ही आने, हॉल गड्ढने, दूजा काम बोतल आने डट पट्टने, ਉਹ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬਿੱਲੋ ਬੱਕਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ? ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮਹਾਨੀ ਚਲੇ ਗਿਆ
के समय बहते पानी में नहाना नहीं चाहिए, ये जंगल बिल्कुल ये सनातनियों की एक परंपरा है। जब तक हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं तब तक हम इस दुनिया में तो अच्छा ही नहीं है। भाई हम आ गए पानी क्रॉस करके। सर जी बताओ इनको कि हम आ गए पानी क्रॉस करके। हम बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। एक बार अभी सॉन्ग भी पूरा शूट हो गया है पूरी। देखो अभी गाइस रात तक मेहनत की हमने। अभी देखो गाइस मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों से कहा था मैसेज है, तो मैसेज यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना है। तो ये जो हमारा सॉन्ग है इसमें हमारी एक सबको एक बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको क्यों ज़रूरी है आज की सदी में हमें प्रकृति से जुड़ना, क्योंकि अगर हम मिट्टी से जुड़ेंगे तभी हम एक अच्छे देशवासी बन पाएंगे। उदु और ये रैप ये सॉन्ग मैंने आपसे कहा था, मैं मेरी टीम सेंटी मलिक भाई सौरभ रिंकू और माई सेल्फ, तो यस तो हम सब मिलके आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि लेट अस अडॉप्ट ह्यूमैनिटी, थोड़े और इंसान बन जाए और हर हर महादेव, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।